ये बर्फ का गोला नहीं है, ये जो रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग है। गर्मी में इसको खाने के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि उंगलियों पर गिन नहीं सकते। तो ऐसी रेसिपी को हम इन गर्मियों में ज़रूर बनाएं। मैंने आपको गोंद तो दिखा दिया, लेकिन इसे बनने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे मतलब। और अगर आपको जल्दी है तो इसे छोटा छोटा पीस कर दीजिए, ग्राइंड कर लीजिए और भिगा दीजिए, तो 10-15 मिनट में ये गोंद कतीरा इतना बढ़िया फूल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध लिया है मैंने 1 लीटर, जो कि पहले से उबला हुआ है। तो उबला हुआ है ना, तो इसमें मलाई आ गई है। अब ये मलाई यदि मैं अभी डालूँगी तो ये ऑयली घी घी बन जाएगा। तो मैं मलाई को पूरा अलग कर देती हूँ और दूध को एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें डाल दी। थोड़ा सा दूध मैं बचा के रख रही हूँ। अब इसको हम दूध को उबलने देते हैं। तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि गोंद कतीरा फ़ायदा कितना देगा हमें, हमारी बॉडी को। ये इतना पानी पी जाता है ये गोंद, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बेहद जरूरी है। जो हमारी स्किन और बालों पर ड्राइनेस आ जाती है ना, उसे ये डिहाइड्रेट रखने में मदद करता है। जो बहुत ज़्यादा अधिक प्यास लगती है ना, उसे भी ये कम करता है। हाथों पैरों में जलन, आँखों में जलन या यूरिन में जलन, ये सारी प्रॉब्लम को ये मिनटों में ठीक करता है। इसे 8 से 10 दिन 15 दिन आप गर्मी में थोड़ा थोड़ा रोज जरूर लें। अगर आपके मुंह में छाले हैं या पीरियड्स रेगुलर नहीं है या फिर कमजोरी है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा। जो बचाया हुआ दूध है उसमें 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है, और इसको जो मैं मीठा करने वाली हूँ तो मैं मिश्री से मीठा करने वाली हूँ। ये जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसे पहले तोड़ लीजिए। ये देखिए, ये पहचान होती है, इसमें जो धागे हैं ना लंबे लंबे, मतलब ये केमिकल फ्री है। अब ये दूध उबलने लगा है, मैंने मिल्क पाउडर वाला दूध इसके अंदर डाल दिया, जिससे ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। ये मलाई को मैंने अलग से रख दिया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें मैंने 1/2 कप मिश्री का पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी ज़रूरत लगे तो आप और एक्स्ट्रा डाल सकते हो, ये डिपेंड करता है आप कितना मीठा पसंद करते हो। अब इसे गाढ़ा होने के लिए रख देते हैं यहाँ पर मैं एक काम करने जा रही हूँ। हमारे पास रस्क होते हैं ना, तो रस या बिस्किट आप ले लीजिए। अब यहाँ पर आप कोई चाशनी डालेंगे इसे मीठा करने के लिए। अब चाशनी तो मैंने डाल दी, अब इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, जैसे दूध कढ़ाई में उबल रहा है ना, तो मैं 4-5 चम्मच उठा के इसमें डाल देती हूँ, जिससे क्या होगा, ये रस गीले भी हो जाएंगे और अच्छे से फूल भी जाएंगे और नीचे सेट हो जाएंगे। जब तक हमारा दूध जो है उबल कर मावे की तरह हो जाएगा, तब तक ये सेट हो जाएंगे। करीब करीब 250 ml दूध मैंने इस तरीके से डाल दिया है इसके ऊपर, तोश के ऊपर, जो रस्क है उसके ऊपर, जिससे वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। बाकी का जो दूध है उसे हम बिल्कुल रबड़ी की तरह बना लेते हैं। रबड़ी की तरह ये दूध हो गया है बिल्कुल गाढ़ा। अब हम इसे ठंडा कर देते हैं, पूरा कूल कर देते हैं। जब ये पूरा अच्छे से कूल हो जाए, तब जो हमने मलाई निकाली थी ना इसी दूध की, वो मलाई अब आप इसमें मिला लीजिए। देखा ना आपने, ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बड़े काम की है। अगर मैं मलाई नहीं निकालती तो होता क्या, वो घी घी वाली रबड़ी बनती, मजा नहीं आता। अगर हम यूं ठंडा करके बाद में इस मलाई को वापस डालेंगे तो ये रबड़ी और भी ज़्यादा अच्छी और लिक्विडी हो गई है। अब इस रबड़ी को आप क्या करें, इस तोश के ऊपर, ये जो रस्क हैं वो सेट हो गए हैं, उसके ऊपर पूरी रबड़ी को मिला दीजिए। आम का सीजन है, आपका मन करे तो इसमें छोटे छोटे कटे हुए आम भी डाल दीजिए। तो जो ये फूला हुआ गोंद कतीरा है ना, उसको मैंने ले लिया है, करीब करीब 1 बड़ा बोल ले लिया है। अब ये गोंद कतीरा टोटल फीका होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है, बस फायदे बहुत अनंत करता है। तो इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई मिश्री मिलाएंगे। कुटी हुई मिश्री मिलाने से क्या होगा, ये ठंडा मीठा हो जाएगा। तो 8-10 मेंबर अगर खा रहे हैं इस डिश को, तो हम कम से कम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में गोंद कतीरे को ले लेते हैं। अब ये मीठा मिश्रण पूरा जो आप इसमें डाल सकते हो। अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट कट करके डाल दिए हैं। अब आप इस पूरी पुडिंग को रख दीजिए फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए, जब तक कि अच्छे से सेट न हो जाए। आपका मन करे तो कम सेट किया हुआ भी इस तरीके से निकाल सकते हो, चम्मच से आप सर्व कर सकते हो, ऊपर से आप गार्निश कर सकते हो शरबत की। अगर ऐसा मन नहीं करेगा, आपको मन करेगा कि पूरा अच्छे से सेट होना चाहिए, तो पूरा सेट, पूरा पीस तब होगा जब आप इसे निकालेंगे और बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा 4-5 घंटे में, तब आप पीस की तरह इसे निकाल सकते हैं।